चलो ये कहता है बल्क मॉडुलस। अब बल्क मॉडुलस, मॉडुलस यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये सब पढ़े होगे, ठीक है। जो बल्क मॉडुलस है, अब स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज कैपिटल बी, इफ द सब्जेक्ट टू यूनिफॉर्म प्रेशर पी द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। अगर बल्क मॉडुलस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, अगर इस पे मैं बाहर से प्रेशर लगाता हूँ, ठीक है, तो इसको बाहर से प्रेशर लगाता हूँ तो इसकी जो रेडियस फ्रैक्शनल डिक्रीज, मतलब डेल्टा आर अपन आर पूछा जा रहा है, डेल्टा आर अपन आर, फ्रैक्शनल डिक्रीज का मतलब होता है डेल्टा आर अपन आर, ठीक है। तो अगर मैं फ्रैक्शनल डिक्रीज निकालूं तो सबसे पहले मैं बल्क मॉडुलस का इक्वेशन लिखूं, बल्क मॉडुलस बी इज इक्वल टू माइनस प्रेशर पी बी बी और एरिया ए डेल्टा बी, ये पढ़ के आए होंगे। बल्क मॉडुलस पी इज इक्वल टू, इसकी जो इक्वेशन होती है सॉरी ये एरिया ए, तो बल्क मॉडुलस पी, ये पी बी और डेल्टा बी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो ये बल्क मॉडुलस माइनस पी बी, पी प्रेशर है, बी वॉल्यूम है, डेल्टा बी चेंज इन वॉल्यूम है, ये। अब इसमें मुझे हमारा जो सोल्यूशन है डेल्टा आर अपन आर, वो पी और बी के टर्म में चाहिए, मतलब हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा डेल्टा बी और बी, डेल्टा बी चेंज इन वॉल्यूम और एक्चुअल वॉल्यूम। तो चलो इसका वॉल्यूम लिख लेते हैं, इसका वॉल्यूम लिख लेते हैं, तो वॉल्यूम लिख लें इसका, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। अब डेल्टा भी चाहिए और आपको डेल्टा आर भी चाहिए, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं आर के रिस्पेक्ट में, डी बी ओवर डी आर इज इक्वल टू 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर, ठीक है। और बहुत थोड़ा सा स्मॉल चेंज के लिए, तो डी वी को मैं डेल्टा लिख सकता हूँ, स्मॉल चेंज के लिए डेल्टा भी इज इक्वल टू डेल्टा आर इज इक्वल टू 4/3, 3 ने 3 को कट दिया, इस 3 को काट दिया, तो 4πr² ये हमें मिल गया। तो यहाँ से मुझे डेल्टा वी की वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो डेल्टा वी अपान वी इज इक्वल टू 4πr² डेल्टा आर और अपान वॉल्यूम भी एक्चुअल वॉल्यूम, तो 4/3 πr³, तो पाई ने पाई को, 4 ने 4 को, और ये 3 ऊपर चला गया, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से, ठीक है, और एक आर ने एक आर को ख़त्म कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा आर अपन आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो डेल्टा बी अपन 3b के इक्वल आ जाएगी। दिस इज़ द रिलेशन, ये मैंने यहाँ से रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। चलो तो डेल्टा आर अपन आर इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी की वैल्यू अब बल्क मॉडुलस में दे जाके रख दोगे, तो बल्क मॉडुलस बी इज इक्वल टू माइनस पी वॉल्यूम बी और ये है डेल्टा वी, ठीक है। और डेल्टा वी की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस पी, दैट इज डेल्टा वी बाई वी, तो डेल्टा वी बाई वी की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से निकालें हम लोग डेल्टा वी बाई वी, 3 times डेल्टा आर अपन आर। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा आर अपन आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो प्रेशर पी अपन 3b के इक्वल आ जाएगा, नेगलेक्ट द माइनस साइन, ठीक है, प्रेशर पी अपन 3b के इक्वल आ जाएगा, मतलब सी ऑप्शन सही है, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है, पी अपन 3b, ठीक है। देखो